हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज की रेसिपी में गेहूं का हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक्स मैं लेकर आई हूं। आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम उबले हुए दो आलू लेंगे, बारीक कटा हरा धनिया, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक कप आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, दो चम्मच सूजी, कश्मीरी लाल मिर्च, मूंगफली, कसूरी मेथी, सफ़ेद तिल और दो चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम मूंगफली, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और दो कश्मीरी लाल मिर्च को रोस्ट कर लेंगे। हमें हल्की आंच पर इनको रोस्ट करना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। फ्लेम को मीडियम लो ही रखें और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सभी मसालों को अच्छे से भून लें। अच्छे से चलाएं। देखिए मसाले हमारे रोस्ट हो गए, अच्छे से हिला लेते हैं एक बार। अब हम इनको मिक्स के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पाउडर बना लेना। ये देखिए मैंने मिक्सी के जार में डालकर मसालों को पीस लिया है। अब इधर हम एक परात लेंगे, परात में हमने गेहूं का आटा डाल दिया है, दो चम्मच सूजी डाल दिए, हरा धनिया जो हमने बारीक चॉप करके रखा था वो डाल दिया है, कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, बारीक कटी हरी मिर्च वो भी डाल दी है, सफ़ेद तिल डाल देंगे, अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, नमक डाल दिया। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। इधर मैंने एक बॉल और लिया है, इसमें हमने जो उबले हुए आलू लिए थे वो ले लेंगे। एक फोक की हेल्प से या एक स्पून की हेल्प से आलूओं को अच्छे से मैश कर लें, आलू में कोई गुठली ना हो, अच्छे से मैश करना है। अब इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और जो मिक्सचर हमने मूंगफली का पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, मैश आलू में डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अच्छे से सभी मसालों को मिलाएंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। आइए आटा लगा लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था आटे में, अब इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें टाइट डो लगा लेंगे। पतला नहीं करना है हमें डो को, थोड़ा टाइट ही रखना है जिससे कि हमारे स्नैक्स थोड़ा खस्ता बनेंगे। देखिए अच्छे से लगा लिया मैंने आटे को, अब इसको हम किचन काउंटर पर बेल लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा लंबा बेलना है। फैलाते हुए मैंने बेल लिया इसको। अब हम जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। एक फोक ले लें, चाहे आपके पास कोई स्पैचुला वगैरह हो आप उससे भी स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्पैचुला की हेल्प से पूरे पे स्प्रेड कर दिया है आलू का मिक्सचर। अब इसको हम धीरे धीरे से रोल कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से रोल कर लिया इसको, अच्छे से रोल कर लेंगे जिससे आलू का जो मिक्सचर है वो सेट हो जाए अंदर। अब हमने इसको एक चॉपिंग बोर्ड पर रख लिया है। अब एक शार्प नाइफ से हम इसको
कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है, अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी। नाइफ आपको बिल्कुल शार्प लेना है, शार्प नाइफ से आसानी से कट जाएंगे पीसेस। ये देखिए सारे पीसेस हम ऐसे ही काट लेंगे। अच्छे से काट ले, इधर हम हमारे सारे पीसेस कट गए हैं। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम इक्वल शेप में सब कटे हैं। इधर हम गैस पर एक पैन रख लेंगे, पैन में मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। वन बाय वन मैं सारे पीसेस इसमें डाल दूँगी, और शुरू में हम फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे। जब थोड़ा सिकने लगे तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए नीचे से अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी इनको ऐसे ही सेक लेंगे क्रिस्प होने तक। ये देखिए ये सारे पीसेस अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दूसरा बैच भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा सिक करके अच्छे से तैयार हो गया है। दोनों तरफ से हमने क्रिस्प होने तक अच्छे से सेक लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।